अजमान पिजन करब में हूँ, आपका होस्ट, आपका दोस्त आरिफ बलोच, एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। और मेरे साथ है सत्तार भाई। क्या हाल है जनाब सत्तार भाई? ठीक ठाक खैरियत से? आप सुनाओ कैसे हो? अल्लाह ताला का शुक्र है। और सुनाए शौक के बारे में, शौक कैसे चल रहा है आपका? शौक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तैयारी इंशाल्लाह चल रहा है। नौवां महीना है, दसवां महीना इंशाल्लाह उड़ान है। इनसे शौक करे। और हमारे खालिद भाई भी, हम तीन हैं जो इकट्ठा शौक करते हैं। अली भाई हैं, तो हम लोग एक ही छत से शौक कर रहे हैं। खैर आज वीडियो के बारे में आप बताइए। किस जी हम बता रहे हैं आज ये वीडियो दवाई के मुतालिक है, मेडिसन है जो बीमारी के मुतालिक। क्यों हमारा अक्सर कोशिश ये होता है बीमारी के मुतालिक, क्योंकि अक्सर ये बीमारी आते हैं सीज़नों में, जो कबूतर बीमार हो जाते हैं, सीज़न चेंज होते हैं, बीमारी तो मौसम चेंज होता रहता है। तो मैं हम लोग ये कोशिश करते हैं, खासकर नए शौकीन जिनके समझ में नहीं आता कि हम क्या करें ना, ताकि उनको बचाने के, क्योंकि आजकल रेडीमेड मिल रहे हैं यानी ये मेडिसिन वगैरह, तो उनके मुतालिक आपको बताएँगे जी। मेरे पास है 4-in-1 है, ठीक है, तो इंशाल्लाह उसके बारे में बताएँगे सत्तार भाई, बताएँगे थोड़ा इसके बारे में। जी सत्तार भाई थोड़ा 4-in-1 के बारे में। ये 4-in-1 हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने कबूतरों में, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है माशाल्लाह। तो इसमें 4 बीमारियों की जो ट्रीटमेंट होती है, उसमें एक आता है कंकर जी, कंकर जो जहरबाद होता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है कोक्सीडिया। कोक्सीडिया वो होती है जो कबूतर जब बेड करता है तो बेड लाल कलर के होते हैं या मिल्की कलर के होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होता है सरमुल्ला जी, तो वो सरमुल्ला ग्रीन डायरिया होता है जो कबूतर बेट करता है, तो ग्रीन कलर की डायरिया होती है, ग्रीन कलर की होती है, ठीक है ना। और तीसरा ग्रीन जब होता है तो उस टाइम खाना खाता नहीं है, बिल्कुल वो कंकर का जानते एक होता है कि ग्रीन डायरिया करता है, खाना नहीं खाता है, सुस्त होता है, साइड में हो जाता है, लेकिन वो ग्रीन डायरिया करता है लेकिन उसमें ये बीमारी है, उसको बोलते हैं सरमुल्ला, तो उस टाइम वो खा लेता है जी, बिल्कुल। और दूसरी बात है, दूसरी चारवा बीमारी है ईकोली का, ठीक है ना। और ईकोली होती है, एक स्मेल आती है डायरिया जब बिट करता है, जी, तो डायरिया से बुरा जैसा जी, स्मेल, हाँ, आता है, स्मेल आती है, तो अक्सर देखा गया है हमारे कबूतरे में भी ऐसा हुआ है, तो इसलिए हम लोगों ने ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। चम्मच आप 4 लीटर पानी में जी, एक चम्मच 4 लीटर पानी में, 5 से 7 दिन, 5 से 7 दिन इसका कोर्स है, और इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और इंशाल्लाह आपको मैं अभी दिखाऊंगा भी जी। 4-in-1 ये है, बेल्जियम की प्रोडक्ट है, बिल्कुल पहले साउथ अफ्रीका थे लेकिन अभी आजकल बेल्जियम के यहाँ पर आ रहे हैं, ऑनलाइन भी आपको मिलते हैं जी। तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इंडिया में आजकल ऑनलाइन भी दस्तयाब है जी, बिल्कुल। और कुछ भाई भी हैं वो बेच रहे हैं वहाँ भी पाकिस्तान में, बहुत पाकिस्तान में, इंडिया में, फेसबुक में बहुत सारे जो दे रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि जीनियन खरीदें ताकि धोखा ना मिले आपको, ताकि पता चले कि ये कबूतरों की सेहत के लिए। तो अभी जो आ रहे हैं साउथ अफ्रीका और बेल्जियम का, इसके अलावा मेरे ख्याल से मैंने देखे नहीं है दूसरे ना, मैं अक्सर से हम लोग की जो होती है वो प्रोडक्ट पहले तो साउथ अफ्रीका थे, लेकिन अभी चेंज की है, अभी बेल्जियम आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका के इतने नहीं आ रहे हैं अभी तक। और कोशिश ये करें कि कोर्स अपना मुकम्मल करें। बहुत लोग हमें देखा है कि 3 दिन देते हैं, फिर जब कबूतर थोड़ा सही हो जाता है फिर देना बंद करते हैं, और कुछ लोग आते हैं कोताही भी करते हैं, 1 दिन देते हैं 1 दिन नहीं देते हैं, तो उससे कबूतर ठीक नहीं होने वाला है। आप लगातार दें, ठीक है, 1 चम्मच 4 लीटर पानी में दे लगातार, लेकिन ये कोशिश करें कि वो पानी धूप में ना रखें, छांव में रखें, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अगर आप धूप में रखेंगे वो कबूतर के लिए जहर बन जाएगा, क्योंकि ये मेडिसिन है, ये जड़ी बूटी नहीं है, ठीक है ना। जड़ी बूटी और मेडिसिनों में बहुत फर्क होता है, फिर आप धूप में रखोगे तो जहर बन जाता है, तो यही कोशिश करें, इंशाल्लाह आप लोग को अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके कबूतर अच्छे होंगे। और सत्तार भाई अगर कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? बस कुछ नहीं, बस यही कहूँगा कि चैनल को जिस किसी भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कोशिश करें नीचे कमेंट जो बॉक्स है उसमें कमेंट करें, जो भी आपके अगर कुछ सवाल आते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे उसी के मुताबिक वीडियो बनाएंगे या वगैरह, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा, बेशक बेशक। और आपको अगर कुछ कहना है तो जी मैं यही कहता हूँ कि भाई कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चले आपकी क्या चीज़ की ज़रूरत है, ताकि आपके अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर हमारे इलम में है तो हम ज़रूर बताएँगे और आपका सवाल का जवाब ज़रूर देंगे, या वीडियो की शक्ल में या कमेंट्स की शक्ल में हम लोग ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, तो अल्लाह हाफिज़।